वित्त मंत्रालय ने कुरियर रूट से ई कॉमर्स आभूषण निर्यात की सुविधा देने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके जरिए ये आभूषण निर्यात की मंशा रखने वाले मैन्युफैक्चर और ट्रेडर को एक सरलीकृत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना चाहता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम कुरियर के जरिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कीमती धातुओं और नकली आभूषणों के निर्यात की सुविधा देने के लिए प्रस्तावित एसओपी का एक मसौदा तैयार किया गया है। सीबीआईसी ने कुरियर आयात एवं निर्यात रेगुलेशन 2010 और संबंधित फॉर्म में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा लौटाए गए आभूषणों के दोबारा आयात के लिए शर्तों को निर्धारित करने वाली नोटिफिकेशन जारी करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में ई कॉमर्स के जरिए आभूषण के निर्यात की सुविधा देने के लिए एक सरल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू करने की घोषणा की थी। AMRG एंड एसोसिएट के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि आभूषणों के निर्यात से देश में विदेशी मुद्रा आएगी और भारतीय डिजाइनरों, कारीगरों और कुशल कामगारों की शुद्ध खर्च योग्य आय बढ़ेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से आभूषण निर्यात को एकीकृत और आसान बनाने से इस क्षेत्र में लगे लाखों लोगों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।